हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रियल स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 12895 हावड़ा पूरी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल से पूरी ओडिशा तक चलती है। इस ट्रेन में एलएचबी रेक यूज़ किया जाता है, जो कि स्पीड और सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। इस ट्रेन को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का हावड़ा से पूरी तक जो दूरी है वो है 500 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का हावड़ा से पूरी तक जाने में टाइम लगता है 8 आवर 55 मिनट्स का। रास्ते में इस ट्रेन का 8 स्टेशन पर हॉल्ट है और इस ट्रेन में ई कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। और इस ट्रेन में 1 सेकेंड AC, 3 थर्ड AC, 8 स्लीपर क्लास और 4 सेकेंड क्लास को शामिल है। और इस ट्रेन का हावड़ा से पूरी तक जाने में जो कॉस्ट है वो है सेकेंड एसी का 1170 रुपीज़, थर्ड एसी का है 835 रुपीज़, जिसमें बेस पेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 325 रुपीज़, जिसमें बेस पेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 175 रुपीज़, जिसमें बेस पेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से रात के 8:55 पे 19 या 20 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वो है खड़गपुर जंक्शन। यहाँ पर ये 10:40 पे आता है और 10:50 पे चलता है। इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन पश्चिम बंगाल छोड़ के ओडिशा में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो स्टेशन आता है वह है बालासोर। यहाँ पर ये रात के 12:24 पे आता है और 12:26 पे चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है भद्रक। भद्रक में ये रात के 1:35 पे आता है और 1:37 पे चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है जाजपुर केउनझार रोड। यहाँ पर ये 2:14 पे आता है और 2:16 पे चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है कटक। कटक में ये 3:20 पे आता है और 3:25 पे चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है भुवनेश्वर। यहाँ पर ये सुबह के 4:05 पे आता है और 4:10 पे चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है खुर्दा रोड जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह के 4:35 पे आता है और 4:40 पे चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है ईस्टर्न का सेकंड लास्ट स्टॉप जो है साकी गोपाल। यहाँ पर ये सुबह के 5:10 पे आता है और 5:12 पे चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ईस्टर्न का डेस्टिनेशन वो है पूरी। पूरी में ये सुबह के 5:50 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है और 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।